नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 23 चैप्टर आपके ख़त्म कर चुके हैं। 23वां चैप्टर था आपका साहित्यकारों के बारे में। इसमें बात करने वाले हम लोग संगीतकार, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख संगीतकार हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। याद रखिए, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके जितने भी चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं सभी आपके मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डाल देता हूँ। संगीतकार तो सबसे महत्वपूर्ण है आपके तानसेन। संगीतकार में कौन है? तानसेन। तानसेन जी का जन्म 1506 ईस्वी में बेहट ग्वालियर में हुआ। तानसेन का सम्मान कब जन्म कब हुआ? 1506 ईस्वी में बेहट ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे, तन्ना पांडे, ठीक है। तानसेन जी के पिता का नाम था मकरंद पांडे। इनके संगीत गुरु हैं स्वामी हरिदास वृंदावन के। राजा सर की बात करें तो दौलत खां, शेरशाह सूरी का पुत्र, रीवा के राजा रामचंद, मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन। संगीत विशिष्टता की बात करें तो ध्रुपद गायन, इनके संगीत ग्रंथ थे संगीतकार और संगीत राग कला, और संगीत विशिष्टता की बात करें तो ध्रुपद गायन, दीपक राग, मेघ मल्हार और राग मल्हार थी। इसके अतिरिक्त दरबारी, कन्हड़ा, मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोड़ी, मियाँ की सारंग। आविष्कार की बात करें तो रबाब एवं बीड़ा वाद्यंत्र ध्रुपद धमार की रचना। तानसेन सम्मान की बात करें तो 1980 से हिंदुस्तानी संगीत के लिए तानसेन सम्मान दिया जाता है। तानसेन समारोह आपका प्रतिवर्ष ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। रीवा के महाराज रामचंद्र ने उन्हें अकबर को उपहार स्वरूप दे दिया था। अकबर ने तानसेन को पूर्ण सम्मान देकर अपने नवरत्नों में से एक थे शामिल किया था, ठीक। राग दरबारी कन्हड़ा भी मैं भी तानसेन की को उस्तादी थी। अकबर इस राग को मियाँ का राग अर्थात तानसेन का राग कहते थे। तानसेन जी की मृत्यु 1585 में दिल्ली में हुई, ठीक है। फिर हैं आपके उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां सरोद वादक, इनके जन्म की बात करें तो 1881 में ग्राम सेवपुर त्रिपुरा वर्तमान बांग्लादेश में हुई थी, ठीक है। संतान की बात करें तो इनके संतान अली अकबर खां पुत्र सरोद वादक, अत्तपूर्णा पुत्री थी इनकी। शिष्य की बात करें तो पंडित रविशंकर भारत के सितार वादक और पंडित पन्नालाल घोष थे। इनके गुरु की बात करें तो हाबूदत्त विवेकानंद के भाई थे। उस्ताद वजीर खां, उस्ताद अली अहमद खां, नीलू गोपाल से शहनाई वादन सीखा इन्होंने, ठीक है। राजा सराय की बात करें तो रीवा महाराज ब्रजनाथ सिंह के आमंत्रण पर मेहर आए, संगीत साधना मेहर में की इन्होंने। आविष्कार की बात करें तो सुर सितार, चंद सारंग, नल तरंग इनके प्रमुख आविष्कार हैं। विशेष क्या है? विशेष के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अनाथ हुए बच्चों को संगीत शिक्षा देकर मेहर बैंड की स्थापना की। उपाधियों की बात करें तो भारत गौरव, अफ्ताब ए हिंद, संगीताचार्य, संगीत नायक इनके उपाधियाँ हैं। सम्मान की बात करें तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन्हें बाबा के नाम से संबोधन किया जाता है, ठीक है, बाबा के नाम से पुकारते हैं लोग। उन्होंने अनेक रागों की रचना की जिनमें मदन मंजरी, हेमंत, हेमंत वियांग, माज खमाज आदि हैं। इनकी मृत्यु हुई 1972 में मेहर सतना में, ठीक है। फिर हैं आपके उस्ताद हाफिज अली खां सरोद वादक।
इनके जन्म की बात करें उस्ताद जी के, तो 1888 में ग्वालियर में। इनके संगीत गुरु थे उस्ताद वजीर अली खां रामपुर, चुक्का लाल वृंदावन, गणेशी लाल गणपत राय से ठुमरी सीखी थी इन्होंने। विशेष की बात करें तो इनके इनका संगीत अभिजात पूर्ण था। उनके संगीत गायन में ध्रुपद ख्याल ठुमरी का मेल होता था। राज्य की बात करें तो ग्वालियर के महाराज माधवराव सिंधिया एवं जीबाजी राव सिंधिया। पुत्र की बात करें तो अमजद अली खां सरोद वादक थे। उपाधियां की बात करें तो अफताब ए सरोद संगीत रत्नाकार इनकी उपाधियां। इन्हें सम्मान की बात करें तो सम्मान पद्म भूषण 1960 में, संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला इन्हें। सरोद घर की बात करें तो इनकी स्मृति में इनके पुत्र ने ग्वालियर में सरोद घर की स्थापना की। इनकी मृत्यु 1972 में हुई। ठीक है, फिर है आपके पंडित शंकर राव। इनके जन्म की बात करें हम लोग पंडित जी के, तो 1883 में, कब 1863 में सॉरी 1863 में ग्वालियर मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ था इनका जन्म। पिता का नाम था विष्णु शास्त्री। जीवाजी राव के आग्रह पर ग्वालियर आए थे। संगीत गुरु की बात करें तो बालकृष्ण बुआ, उस्ताद निसार हुसैन, देवजी बुआ, टप्पा शैली। टप्पा ख्याल शैली तथा यमन राग में विशेष पारंगत हैं थे। संगीत शिष्य की बात करें तो पंडित कृष्ण राव पुत्र भाऊ साहेब जोशी, काशीनाथ मूले, राजा भैया पूंछ वाले। सम्मान की बात करें तो इन्हें राष्ट्रपति सम्मान दिया गया पदक। इनके पुत्र कृष्ण राव ने ग्वालियर में इनकी स्मृति में शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना की। और पंडित शंकर राव जी का निधन हो गया, मृत्यु हुई इनकी 1917 में। ठीक है, जन्म हुआ था 1863 में, मृत्यु हुई 1917 में। फिर हैं आपके पंडित कृष्ण राव शंकर। इनके जन्म की बात करें तो पंडित जी का जन्म हुआ पंडित कृष्ण राव का 26 जुलाई 1893 में ग्वालियर में। इनके पिता का नाम था पंडित शंकर राव। संगीत गुरु की बात करें तो पंडित शंकर राव इनके पिता ही थे। इनके संगीत गुरु उस्ताद निसार हुसैन खां भी थे। 20 वर्ष की आयु में मथुरा में गायन प्रस्तुति की थी इन्होंने। रचनाओं की बात करें कृष्ण राव की तो संगीत सरगम सार, संगीत प्रवेश, संगीत अलाप, संचारी, तबला वादन शिक्षा, सितार जलतरंग वादन शिक्षा, हारमोनियम वादन शिक्षा आदि। विशेष की बात करें तो ख्याली गायकी पर असाधारण अधिकार, दूरदर्शन व रेडियो पर अनेक संगीतें प्रस्तुत की गई। ठीक है, गायन रिकॉर्ड व रेडियो पर उन्होंने संगीत प्रस्तुति दी। गायन रिकॉर्ड को कोलंबिया रिकॉर्डिंग कंपनी ने किया था। आगे बात करते हैं जीवाजी राव सिंधिया ने माधव संगीत महाविद्यालय का सुपरवाइजर बनाए ने। उपाधियों की बात करें तो कृष्ण राव जी की उपाधियां थी गायक शिरोमणि सरदार पटेल द्वारा, संगीत मार्तंड संगीत रतलांकर लंकार ग्वालियर द्वारा, संगीत शिरोमणि मुल्तान संगीत द्वारा, ताल सम्राट सम्राट पटियाला घराना द्वारा, संगीत मनीषी, गायन महर्षि संकेश्वर पीठ के शंकराचार्य, डॉक्टर ऑफ म्यूजिक गायन विरसारद सम्मान खैरागढ़ विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए। इन्हें 1973 में पद्म भूषण और राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला इन्हें। ठीक है, सन 1907 में कृष्ण राव ने अपने जीवन का प्रथम कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। 1914 में ग्वालियर में गंधर्व विद्यालय नाम से एक संगीत संस्था की स्थापना की थी। उनकी मृत्यु 1983 में होगी। ठीक, कृष्ण राव जी की। फिर हैं आपके राजा भैया पूंछ वाले। राजा भैया के जन्म की बात करें तो 12 अगस्त 1882 में ग्वालियर में हुआ। वास्तविक नाम की बात करें तो बालकृष्ण आनंद राव आपटेकर इनका वास्तविक नाम है।
इनके पिता का नाम था आनंद राव, पूंछ बुंदेलखंड जागीर से ग्वालियर आए थे। संगीत गुरु की बात करें तो बलदेव जी, लाल बुआ, बावन बुआ, ध्रुपद सीखा इन्होंने से। पिता आनंद राव से सितार सीखा, विष्णु नारायण भातखंडे बम्बई स्वरलिपि सीखी इन्होंने। रचनाओं की बात करें तो तान, संगीत वासना, ठुमरी, तरंगनी, ध्रुपद, धमार गायकी। भातखंडे की क्रमिक पुस्तक मालिका के लिए अथक प्रयास किया इन्होंने। ख्याल, ठुमरी, टप्पे, टप्पे में विशिष्ट निपुणता प्राप्त की। भातखंडे की इच्छानुसार संगीत विद्यार्थियों को स्वलिपि का प्रशिक्षण दिया। राजा भैया के आश्वासन पर भातखंडे ने 10 जनवरी 1918 को वर्तमान माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर की स्थापना की। माधव संगीत विद्यालय के अध्यापक व प्राचार्य रहे। ग्वालियर की पारंपरिक गायन शैली के प्रणेता भी रहे। उपाधियों की बात करें तो संगीत रत्नाकर, संगीताचार्य, सर्वलोक गायन गायक, राष्ट्रपति पदक भी इन्हें मिला। मृत्यु इनकी हुई 1 अप्रैल 1956 को, इनका निधन हो गया। ठीक है, फिर हैं आपके उस्ताद उस्ताद आमिर खान। इनके जन्म की बात करें तो 1913 में इनका जन्म हुआ। संगीत शिक्षा पिता साहिमीर खान इंदौर घराना, अमान अली खान भिंडी बाजार घराना मुंबई से इन्हें संगीत शिक्षा मिली। संगीत विशिष्टता की बात करें तो ध्रुपद का अभिजात ज्ञान था इन्हें। ख्याल का अलंकृत चमकीलापन, ख्याल व तराना गायकी के कुशल गायक थे। इंदौर घराने की ख्याल व तराना गायक। भारतीय संगीत में योगदान, विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अमेरिका ब्रिटेन की यात्रा भी की इन्होंने उस्ताद आमिर खान ने। फिल्मों की बात करें तो वीजी बावरा, झनक झनक पायल बाजे, गूंज उठी शहनाई में संगीत दिया इन्होंने। सम्मान की बात करें तो पद्म भूषण, संगीत अकादमी सम्मान मिला। संगीत की शिष्य की बात करें तो अमरनाथ, हृदयनाथ, मंगेशकर इनके प्रमुख संगीत शिष्य थे। ठीक है, इनकी स्मृति में इंदौर में उस्ताद अलाउद्दीन खान अकादमी मिहर सतना के सहयोग से प्रतिवर्ष आमिर खान समारोह का आयोजन किया जाता है। इनकी मृत्यु 1974 में हुई। फिर हैं आपके कुमार गंधर्व। कौन है? कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व का जन्म 8 अप्रैल 1924 को हुआ। इनके जन्म स्थान की बात करें तो सुलेभावी ग्राम बेलगांव कर्नाटक में। तपेदिक के कारण स्वास्थ्य लाभ हेतु देवास आए। इनका पूरा नाम की बात करें तो शिवपुत सिद्धारमेय कौम कली थे। इनके गुरु प्रोफेसर बी आर देवधर थे। अंजनीबाई मातोकर भी थी इनकी। संगीत रचनाओं की बात करें कुमार गंधर्व की तो अनूप राग विलास त्रिवेणी गायन के रचनाएं। उपनाम की बात करें तो संगीत के कबीर, क्रांतिकारी संगीतकार इनके उपनाम हैं। महात्मा गांधी के जीवन को दर्शाने को संगीत पर ध्वनि में प्रोकर गांधी मल्हार प्रस्तुत किया इन्होंने। सम्मान की बात करें तो इन्हें कुमार गंधर्व को पद्म विभूषण मिला, संगीत अकादमी सम्मान भी मिला, कालिदास सम्मान भी इन्हें दिया गया। उन्होंने अनेक रागों का सृजन किया जिनमें आपके अही मोहिनी, मालवती सहेली, तोड़ी, लगन गंधार, निंदी यारी, भावमत भैरव, गांधी राग प्रमुख हैं। इनकी मृत्यु की बात करें तो 12 जनवरी 1992 में इनकी मृत्यु हो गई। फिर हैं आपके राजा चक्रधर सिंह। राजा चक्रधर सिंह का जन्म 1905 में हुआ। इनकी उपाधि है संगीत सम्राट। रायगढ़ रियासत के कथक घराने से संबंधित थे आपके चक्रधर सिंह। इनके गुरु की बात करें तो लाला नारायण सिंह, भूपदेव सिंह, लक्ष्मण सिंह इनके प्रमुख गुरु हैं। रचनाओं की बात करें राग रतन मंजूसा, राग रागनी का वंश वृक्ष, ताल तोय निधि, नर्तन सर्वस्व, नृत्य संबंधी अलकापुर माया चक, रतन मंजूसा संस्कृत, काव्य कानन ब्रज, जोश करहत, निगाहें फरहत उर्दू में।
योगदान की बात करें तो संगीत कथक नृत्य में योगदान। शिष्य की बात करें पंडित कार्तिक राम, जयवाल महाराज, पंडित सुखदेव महाराज, सीताराम महाराज, कार्तिक कल्याण नृत्य जोड़ी इनके शिष्य थे। इनके समय में गणेश पूजा उत्सव रायगढ़ में कलाकार एकत्रित होते थे। वर्तमान में रायगढ़ में प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है। इनकी मृत्यु 1947 में हो गई थी। ठीक है, अगले हैं आपके पंडित कार्तिक राम। पंडित कार्तिक राम का जन्म 1910 में भवरमान बिलासपुर में हुआ था। गम्मत के श्रेष्ठ कलाकार रायगढ़ घराने के थे। गुरु की बात करें तो लखनलाल, पंडित जयलाल, लक्षण महाराज, सुंदर प्रसाद, शंभू महाराज, राजा चक्रधर सिंह थे। पंडित कार्तिक राम व कल्याणदास की जोड़ी में देश में ख्याति अर्जित की। उपाधि की बात करें तो नृत्य सम्राट हैं इनकी। सम्मान शिखर सम्मान मध्य प्रदेश में और संगीत नाटक अकादमी सम्मान मिला है। फरस पर गुलाल बिछाकर जब आप गजपन नृत्य कराते थे तब उस पर हाथी का चित्र बन जाता था। वे बिछे हुए बतासों पर नृत्य करते तो बतासे टूटते नहीं थे। पंडित कार्तिक राम का की मृत्यु हुई 1992 में। ठीक है, अगले इनसे संबंधित जो आपके संगीतकार थे इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, उन्हें भी देख लेते हैं हम लोग। कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव संस्कृत का महाकाव्य है, जिसमें शिव पार्वती के विवाह एवं कुमार कार्तिकेयन के जन्म के साथ ही तारकासुर वध की कथा का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, कुमार संभव में किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास द्वारा। मध्य प्रदेश के भरथरी शतक काव्य के अग्रदूत रहे हैं। सतकाय उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक नामक उनकी प्रमुख रचनाएं। केशवदास इंद्रजीत के दरबार में एक वेश्या राम प्रवीण पर आश्वस्त हो गए थे। इन्होंने राम प्रवीण की प्रेरणा से ही रसिक प्रिया नामक ग्रंथ लिखा था। मध्य प्रदेश की हिंदी भाषा में लिखने वाले प्रमुख बाल साहित्यकार के रूप में जहूर बख्श का नाम उल्लेखित है। ग्वालियर के महाराजा दौलतराव सिंधिया के दरबार में रहते हुए महाकवि पद्माकर ने अली जाह प्रकाश ग्रंथ की रचना की, जबकि प्रताप सिंह व जगत सिंह की यहाँ प्रताप सिंह गुरु दावली व जगत विनोद नामक ग्रंथों की रचना की। हरिशंकर परसाई ने जबलपुर में वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जबकि कल्पना मासिक पत्रिका भवानी प्रसाद मिश्र ने तथा प्रभा का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। झांसी की रानी नामक प्रसिद्ध कविता की रचना का आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, जिन्हें सेक्सरिया पुरस्कार से 2 बार सम्मानित किया गया। लोक कवि जगनिक ने आलाखंड की रचना की। आलाखंड का संबंध आपका महोबा के राजवंश से है। इसमें 2 प्रसिद्ध वीरों आला उदल का चरित्र वर्णित किया गया। पहली बार 1665 में फरुखाबाद के बंदोबस्त अधिकारी चार्ल्स एलियट ने आलाखंड की 23 खंडों की एक पांडुलिपि तैयार करवाई, जबकि वैसेंट स्मिथ ने बुंदेलखंड में इस काव्य का संग्रह किया था। लोक कवि ईसुरी बुंदेलखंड के गौरव को बढ़ाने वाले कवि थे। ईसुरी द्वारा रचित फागों ने बुंदेली लोक साहित्य को समृद्धता प्रदान की। मध्य प्रदेश के लोक कवि घाघ मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। घाघ को चौधरी की उपाधि भी सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई थी। कुमार गंधर्व ने शास्त्रीय संगीत में अनोखा प्रयोग किया। इनका बहुचर्चित राग है गांधी राग, जबकि इनकी पुस्तक का नाम है अनूप राग। ठीक, मध्य प्रदेश के विद्वान कामता प्रसाद गुरु को हिंदी भाषा में पहला व पूर्ण एवं मान्य व्याकरण रचने वाला माना जाता है। किसने? कामता प्रसाद गुरु को। मध्य प्रदेश में ब्रज भाषा का मुख्य क्षेत्र उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश है।
क्षेत्र में मुख्यतः आपके मुरैना, ग्वालियर, बिजवासी जिले हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, उमरिया, सीधी, शहडोल जिले में बघेलखंडी भाषा बोली जाती है, जबकि बालाघाट जिला में बुंदेलखंडी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति बहुल जिले, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा व खरगोन में मुख्यतः कोरकू बोली जाती है। मध्य प्रदेश के गायकों में तानसेन ग्वालियर, उस्ताद हाफिज अली खान ग्वालियर, लता मंगेशकर इंदौर का जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ, जबकि उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म मध्य प्रदेश से बाहर बांग्लादेश के जिला त्रिपुरा के श्योपुर गांव में हुआ था। अमजद अली खां सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल रविंद्र भवन 4000 दर्शकों की क्षमता वाला सभागृह है, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ सभागृहों में से एक है। यहाँ अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। जगदीश स्वामीनाथन मध्य प्रदेश के उत्कृष्ट चित्रकार हैं। वंशी कौल, नरहरि पटेल, निशा मिश्र देश के ख्याति प्राप्त रंगकर्मी हैं। सत्रह सौ सत्तर के आसपास रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह ने रामकथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक लिखा। भारतेंदु ने इसे हिंदी का पहला नाटक माना है। अमिता शेरगिल फेलोशिप ललित कला के लिए दी जाती है। इसकी राशि प्रतिमास 1000 रुपये तथा अवधि 1 वर्ष है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप है आपका उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप। इसकी भी राशि 1000 रुपये व अवधि 1 वर्ष है। चक्रधर शिक्षावृत्ति रूपंकर कला के रूप क्षेत्र में दी जाती है। 1 वर्ष तक दी जाने वाली इस शिक्षावृत्ति की राशि 1000 रुपये है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार में मकबूल फिदा हुसैन, नारायण सिंह धरबिंदे, राजा राम सियदहेदर राजा, डॉक्टर मंजूषा गांगोली, देवयानी कृष्ण शामिल थे, ठीक है। तो ये थे आपके प्रमुख संदिग्ध संगीतकार मध्य प्रदेश से संबंधित। आगे हम लोग बात करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पुरस्कार भी देखेंगे और सम्मान भी।